Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हक मौजूद की आयो। उम्मीद क्या थी तमा सभी बिल्कुल ठीक ठाक हों, हमेशा जिया। अवां जी मेज़बान शाजिया करीम अवां जी खिदमत में हाजिर आया इन दुआ सा, इन उम्मीद सा, तो जाते हुजो खुश हुजो। ही प्रोग्राम अवां हिन में लाइव दिसी रहा हो, फेसबुक ते पेज आए असो आवाज़ के नाले से, उते उनके अलावा सुबह जो आवाज़ इन प्रोग्राम जो ऑफिशियल फैन पेज आहे, उनते मुझी पिक्चर लगल होंगी। अजकल फेक पेजेस जाम पे ठन, सो उनके अवां लाइक करे सको था, उते अवां कमेंट करे सको था, उते भी प्रोग्राम बिल्कुल शेयर कयल होंदो। उनके अलावा यूट्यूब ते ही प्रोग्राम अपलोड कयो वेंदो आहे, अवां उते भी ॾिसी सको था। अजो के प्रोग्राम में कुछ असां सोचो तो छो न कुछ अलग शयन ते असां ॻाल्हायूं। अलग शय अॼु इहा आहे त शायदि उहो को इंसान हुजे जंहिंखे सुठो लिबास पाइण जो शौक़ु न हुजे, सुठी चप्पल वठण जो शौक़ु न हुजे, सुठी बैग वठण जो शौक़ु न हुजे। मतिलबु मेल हुजे या फीमेल हुजे, उन्हनि में हिकिड़ी शइ हूंदी आहे त बाबा ड्रेस जेको आहे न उहो सुठो हुजे। पर जॾहिं असां सुठे जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त पोइ वरी ज़हन में पहिरीं जेका शइ ईंदी आहे न उहा ईंदी आहे रक़म। त माना हे जोड़ो महांगो हूंदो, ऐं ख़बर नाहे जेकॾहिं मुंहिंजी हीअ पसंदि आहे त उन जी कोस छा हूंदी। अॼुकल्ह ईअं थी बि वियो आहे त जंहिं जोड़े जी रक़म मिसाल जे तौर ते 1000 हूंदी आहे त अॼुकल्ह उहो 1500-2000 में विकिरो थींदो आहे। त इन हवाले सां पोइ इलाही माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजा जेके मनपसंदि ड्रेसिस आहिनि उहे ख़रीद करे न सघंदा आहिनि। ऐं उहे बि हाणे ईद अची वई आहे त हाणे महांगाई तमामु घणी थी वई आहे। कुझु ॾींहं पहिरियों मुंहिंजो मार्केट वञणु थियो, यकीन कयो मां प्राइस ॿुधी ॾाढी हैरान थी वियमि त एतिरा महांगा ड्रेसिस। मतिलबु हिकिड़ी हूंदी आहे न त शइ लहे थी जेका रक़म, उन हिसाब सां ठीकु आहे 5-10 रुपया तव्हां मथे रखो, पर इहो न आहे त तव्हां उन में हज़ारनि जो इज़ाफ़ो कयो। अच्छा, मूंखे बार्गनिंग जो ॾाढो शौक़ु आहे। मतिलबु मां जेकॾहिं कंहिं शॉप ते वेंदी आहियां ऐं ईअं मतिलबु तव्हांखे मार्केट में हलिया वञो ऐं तव्हां शॉपिंग करणु वञो त घणे भाङे छोकिरियूं ईअं हूंदियूं आहिनि त दुकान वारे जेकॾहिं 20,000 रक़म ॿुधाए त हू 20,000 में खणी ईंदियूं आहिनि। अच्छा, मां ईअं न आहियां कंदी, इन जो रीज़न आहे। रीज़न इहो आहे त असां वटि हिकिड़ी मैंटेलिटी ठही वई आहे दुकान वारनि जी त बाबा पाकिस्तानी जेके मायूं आहिनि उहे बार्गनिंग ज़रूरु कंदियूं। हा, कुझु हूंदियूं आहिनि जेके न कंदियूं आहिनि, उहे ईअं ई ख़रीद करे ईंदियूं आहिनि। त हाणे उन मैंटेलिटी खे असां बि सम्झी विया आहियूं। पहिरियों जॾहिं मां मार्केट वेंदी हुयमि त बसि ठीकु आहे, जेकॾहिं 3,000 जो जोड़ो मिलियो त मां खणी आयमि। पोइ जॾहिं घरु ईंदी हुयमि त मुंहिंजी ॿी भेण चवंदी त अई हे 3,000 जो त आहे कोन, हे त 2,000 जो आहे, 1,500 जो आहे, तूं 3,000 भरे आई। मां चयो भई इहो बहस मूंखां न थींदो आहे। अच्छा, हाणे उहो बहस मां सिखी वई आहियां। उन जो रीज़न आहे छो त उन मैंटेलिटी खे मां सम्झी वई आहियां त ड्रेसिस कीअं महांगा थियनि था, ऐं दुकान वारे खे बि ख़बर आहे त कस्टमर जी मैंटेलिटी छा आहे, कस्टमर कीअं असांखे डील कंदो। सो थियो ईअं त मूंखे हिकिड़ो फ्रॉक पसंदि आयो मुंहिंजी सिस्टर जे लाइ, ऐं जॾहिं मूं हुनखां पुछो त हिन जी रक़म छा आहे त हुन मूंखे ॿुधायो त हीअ 20,000 जो आहे। मां चयो, मां भई 20,000 त मां कोन ॾींदमि। सो मुंहिंजी भेण चए जी ॾाढो प्यारो ड्रेस आहे, मूंखे हर हाल में ख़रीद करणु मां चयो बाबा ठीकु आहे, पहिरियों ॻाल्हाए त वठूं। त मूंखे चयईं जी बाजी आप बताएं आपकी रेंज क्या है, त उन जोड़े जे हिसाब सां मां चयोमांसि भई 5,000। हाणे 20,000-5,000 अवां अंदाज़ो लॻाए सघो था केतिरो डिफ्रेंस हुयो। ख़ैर, बहसो मुबाइसे खां पोइ हुन चयो अच्छा ठीकु है भाजी, अब आप ज़िद छोड़ें, आप ये 6,500 का ले लें। मैंने कहा 20,000 से 6,000? त चए थो त भाजी छा आहे न मजबूरी असांजी थी वई आहे त मायूं जेके आहिनि न उहे बार्गनिंग कंदियूं आहिनि, असां उन्हनि खे इलाही घणी रक़म ॿुधाईंदा आहियूं इन करे। पर ॾिसो त उहो डिफ्रेंस केतिरो आहे। मतिलबु हिकिड़ो जेको 6,000 जो जोड़ो आहे उन जी क़ीमत तव्हांखे 20,000 ॿुधाई थी वञे, ऐं असांजूं अधियूं वरी ईअं शयूं ख़रीद करे बि ईंदियूं आहिनि। त उहो ई ॻाल्हि आहे त थोरो जॾहिं तव्हां मार्केट वञो था न पोइ इलाही शयुनि जो ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे, ऐं बार्गनिंग जेका आहे उहा वक़्त जी ज़रूरत थी वई आहे। पर इलाही अहिड़ा शॉप्स बि आहिनि, इलाही अहिड़ा डिज़ाइनर बि आहिनि जिते अहिड़ो को मार्जन कोन हूंदो आहे, बल्कि इलाही बहितरीन क़िस्म जा जेके ड्रेसिस हूंदा आहिनि, बहितरीन पीसिस जेके हूंदा आहिनि, उन्हनि जी रक़म इलाही घणी मुनासिबु हूंदी आहे, ऐं इंसान आराम सां उहो ख़रीद बि कंदो आहे। उन में वॾी हिकिड़ी रेंज हूंदी आहे डिफरेंट डिज़ाइंस जी, कलर्स जी, मतिलबु इलाही कुझु हूंदो आहे। ऐं अॼुकल्ह त सॼो कुझु ऑनलाइन थी वियो आहे,
तो ऑनलाइन में यो हों तो भाई तुम ऑर्डर दई छो उन शे तेज घर पौती वे पहुंची वे पर ऑनलाइन में वो यो हों तो मटीरियल जो डिफरेंस हों जी शे ऑर्डर कबी है वह अक्सर न पहुंची है तो माना इलाही मामला जैसे तुम शॉपिंग कह तो थोड़ा मामलो खराब थी वो अक्सर पर हाँ एक शे हों जो जै शॉप त खरीदारी कर मुसलसल तरीदारी कह रहो तो उत तो धोखेवारो एलिमेंट है न वो न मिल या जै डिजाइनर के सुो था जनखा ड्रेसिस ठहरा था तो उते भी तक इलाही मतलब एक रीजनेबल प्राइस मिली वी है तो वही गाल है तो कुछ इंसान वाकई जो शॉपकीपर्स या डिजाइनर्स वे तमाम बेहतरीन आन मुनासिब रेंज में तेजा पसंद की शे है ना वह मिली वी है। अच्छा अजो मैं सोच रहा हूँ तो ये लॉकडाउन में मियोगे में मैं ये ड्रेसिस की गाल छो पी क्या महंगाई की गाल छो पी क्या बार्गनिंग की गाल छो पी क्या मतलब ये गाल छो पी क्या इनजो रीज़न है इनजो रीज़न यो है तो अज अवं कुछ ड्रेसिस अस दिखारींदी जे अवं जैसे स्क्रीन से ऐसा तो अवं चव वाह बेहतरीन प्राइस बुध तो अवं हैरान तो ये भी मुमकिन है सो बिल्कुल मुमकिन है माशाल्लाह उन्होंने डिज़ाइन्स काफ़ी सोबर आन ऐं उई भी अॼुकल कुर्तीज़ जो ट्रेंड तमामु घणो आहे ऐं वॾा वॾा लॉन्ग गाउन्स फ्रॉक्स वग़ैरह इहे हाणे घणे भाङे आउट थी विया आहिनि फैशन मां छो त हर कोई चाहे थो त असां मतलबु कंहिं महफ़िल में वञूं या यूनिवर्सिटी आहे या ॿाहिरि निकिरूं था या इवन ईद जो ॾिहाड़ो आहे त मतलबु सुठा ऐं डीसेंट ड्रेसिस हुजनि ऐं अॼुकल्ह गर्मी बि तमामु घणी आहे त उन हवाले सां फैब्रिक भी मतलबु अहिड़ो हुजे जेको असांखे तंग न करे छो तो लाजिम है इन ईद से या का भी जी ईद होंगी है उनमें कुकिंग तमाम घनी थी है असो जी अदू होंद उनो घो टाइम है वो किचन में गुजरन है तो इन कर कोशिश कन्दून तो माना खूबसूरत ड्रेस हुए लाइट फैब्रिक हुए अस उनमें कंफर्टेबल हुजों तो कुछ अड़ा ही ऑप्शन्स अज अव बुधायण वारा आयो तो भाई कें तेजे ईद के दिहाड़े के सुठो ठाए सो सुठा ड्रेसिस अव वेयर कर सो थ मुनासिब रेट्स में अव उन खरीद कर सो थ काफ़ी अड़ी ऑर्गनइजेशन्स भी जे हाँ कम कन पे तो गरीब या ये चाहिए त जिन छोकरन वट जिन फैशन डिजाइनर्स वट प्लेटफॉर्म ना है उनके वो प्लेटफॉर्म दियन पाया उन हवाले से भी वही पॉजिटिव शै ये तो उनके प्लेटफॉर्म जैसे मिले तो उत मतलब का भी शे ये ओवर ना है तो भाई हाँ हर शे रेट्स तधाए छो या अजीबो गरीब शे यो थे तो जैसे नवा नवा जहन मार्केट में अचन था नवा नवा जहन जैसे इन शोबे के जॉइन कन था तो नयू डिजाइन्स अचन थी लाजिम है नए किस्म जो फैब्रिक अचे तो हर शे नई है हर शे डिफरेंट है छो तो हर डिजाइनर पाँ हिसाब से माइंड के हिसाब से कम कन है जी सोच होंगी है उ ड्रेसिस में उन सभी शय में नजर इंदी है तो पोए अजो मां के कुछ अड़ा ही अस गुर बुधायण वारा आयो अड़ी गर्मी में मतलब हद का महंगा रेशमी या शेफून जा जॉर्जट जा कपड़ा खरीद कर कई गुना बेहतर है तो कॉटन या वरी लॉन जो इस्तेमाल किया वे लाइट कलर्स जो इंतखाब किया वे अच्छा कुछ असने अदिन के ना ढा वाइब्रेंट कलर्स पसंद होंगे मतलब वो चाहन्दन तो रेड हो या शॉकिंग पिंक कलर हो डार्क ग्रीन हुए रॉयल ब्लू हुए अड़े किस्म जहाँ कलर्स ठीक है बट वे सियारे में ढा सुा लगता है पर हिमल जी मुंद है उनमें गर्मी छो तो तमाम घनी होंगी है तो जेतरा लाइट जेतरा सॉफ्ट कलर्स हों ओतरो बेहतर है गर्मी के हिसाब से भी अजकल ट्रेंड में भी इं ही है इलाही लाइट शूँ हलन पे हाँ माना वो पे जो दौर हो तो भरल कड़ियल सफ़ा ओवर ड्रेसिस उन हाँ शुक्र है जो अस बची वाया सो बहरहाल अज इन सभी शय कचहरी कहें इतने टाइम है ब्रेक जो म्यूजिक का बिना तवा खबर है अस बिल्कुल अगते को म्यूजिक भी प्रोग्राम जो हिस्सों होंगी फिलहाल टाइम है ब्रेक जो मिलूँ तो शॉर्ट ब्रेक का जी व्यूवर्स वरी अवं सभी के भली कार चवान थी शुरुआत में कुछ अवं के टिप्स मूँ बुधायूँ तो जैसे भी दुकान से वो केंते भी तो जोड़े की रकम थोड़ी घट कराने की कोशिश जरूर कंदू कयो असो अदियों कुछ वरी एतरी सादड़ी होंदियों जो बिल्कुल न कराइंदियों
जेका जोड़े जी रकम होंदी आ उन खां चार गुना मथे रकम ॾेई ऐं जोड़ो वठी ईंदियूं आहिनि। पोइ वरी जॾहिं कंहिं सखीअ सां मिलंदियूं आहिनि ऐं साॻे ई जोड़े जी ॻाल्हि थींदी आहे त आई अदी मां त हेतिरे में वरितो, आई हा ईअं सची मां त हेतिरे जो वरितो, सो पोइ वरी ईअं थी वेंदो आहे। इन करे इहा अॼुकल्ह दुकानदारनि जी बि मतिलबु हिकिड़ी नफ़्सियात थी वई आहे, कस्टमर जी बि नफ़्सियात थी वई आहे, त थोरो बहसो मुबाहिसो ज़रूरी आहे। बहरहाल वापसि अचूं था पंहिंजे टॉपिक ॾांहुं, महिमाननि सां मुंहिंजी मां मुलाक़ात कराईंदमि। पहिरीं जेका शख़्सियत मौजूदु आहे उहा माशाल्लाह फैशन डिज़ाइनर आहे, तमामु सुठी, ऐं थोरी देरि खां पोइ अव्हांखे उन्हनि जा जेके ड्रेसिस आहिनि उहे बि ॾेखारींदासीं। उन खां अलावा स्लीपर्स जेके हिते पिया आहिनि जेके मां थोरी देरि में अव्हांखे ॾेखारींदमि, सो उहे बि माशाल्लाह तमामु सुठा हू मतिलबु डिज़ाइन कंदियूं आहिनि, ऐं FSC उन्हनि जी थियल आहे, बल्कि इंटर जी शागिर्दियाणी आहे, सो इलाही यंग आहे माशाल्लाह। भलीकार चवां थी जन्नत फातिमा खे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो इतनी यंग एज में माशाल्लाह इतना सारा काम। बस शौक था शादी से पहले से। अरे शादी हो गई? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। okay. मैं मैरिड हूँ, दो बच्चे हैं मेरे। अरे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया जी। सो बहरहाल ऐसा भी होता है, और आपकी कलेक्शन माशाल्लाह मैं भी देख रही थी, और आपसे ऑफियर जो मेरी गुफ्तगू रही तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज उस पर आपसे बात करेंगे, और आप यहाँ पर मौजूद हैं हुनरमंद कराची फेस्टिवल की तरफ से, जो अभी रिसेंटली हुआ था, जनवरी फरवरी के अंदर, फेब के अंदर, फेब से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, तो उस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। चले अब मैं ज़रा डिस्क्लोज़ कर देती हूँ, मैंने पहले सोचा कि मैं नहीं बताती, लेकिन अब मैं बता देती हूँ कि आपके साथ आपके हम सफ़र भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और आपको ये सारा काम जो आप कर रही हैं उसमें वो आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट है। बिल्कुल, ख़ासतौर पर ये जो स्लीपर्स यहाँ पर पड़े हैं वो ख़ुद कारखाना है, और आप लोग डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोग फ़रोख भी करते हैं। तो खुश आमदीद कहती हूँ मोहम्मद इकराम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच कि आपने ख़ास टाइम दिया, आपसे बात करेंगे। एंड व्यूवर्स, टियों जो मेहमान आए माशाल्लाह वो तमामु सुठो फ़नकार आहे, ऐं फर्स्ट टाइम अॼु उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में मां ॿुधंदो, मां ॿुधंदमि। ऑफियर मूं थोरो घणो ॿुधो आहे। भलीकार चवां थी अर्जुन खे। अस्सलामु अलैकुम। नमस्ते, कैसे मिजाज हैं आपके? आपके जो है ठीक ठाक हैं। थैंक यू कि आप भी यहाँ पर आए। हिन पासे वरी हाशिम हुसैन मौजूदु आहे। अस्सलामु अलैकुम हाशिम भाई, ठीकु आहे हो? वालेकुम सलाम। हाशिम भाई, इहो ॿुधायो त ॿेड़ी ते आया आहियो या बाइक ते आया आहियो या माना तरी आया आहियो या ॿेड़ी ते आया आहियो? बस वो बाइक तरंदे तरंदे बची वई। सही। असल में छा आहे त सूरत हाल अॼु कुझु अहिड़ी हुई न, जॾहिं सुबुह जो अर्ली मॉर्निंग उथियासीं त मींहुं पियो उठो, ऐं वरी हिते बि पहुतासीं त मतिलबु अंदाज़ो न हुयो त अॼु सभई पहुचंदा ऐं प्रोग्राम असां करे सघंदासीं। कल माशाल्लाह महांगो जी यादि ॾियारी, अॼु वाङणा ई कलर पातो आहे, वाङणा ई माना वाङण सब्ज़ी आहे। अॼु ॾिसो मौसम जी मुनासिबत सां रंगीनी आहे, तरफ कलरफुल जेको आहे, सीज़नल फ्रूट्स, सीज़नल वेजिटेबल्स, तां माना उन सभिनी जा जेके शेड्स आहिनि लॻे थो ख़रीद कया आहिनि। वही न मां चाहियां पियो थोरो एंजॉय कयो न मौसम सां गॾु कपिड़नि खे। बिल्कुलु, इहा तव्हांजी ॾाढी सुठी माशाल्लाह हैबिट आहे जो तव्हां वेदर खे हर शइ खे एंजॉय कंदा आहियो। बहरहाल महिमान मौजूदु आहिनि, पाण में कचहरी कंदा रहंदासीं। अच्छा फातिमा जी, जन्नत फातिमा, आप बताइए कि आपको डिज़ाइनिंग का शौक़ कब हुआ? मतलब शादी से पहले ही, मतलब मुझे शौक़ तो था कि मैंने कुछ करना है, कुछ करना, आगे बढ़ना है। और ये भी एक टैलेंट है कि शादी के बाद घर संभालना, सबसे बड़ा टैलेंट तो औरत के लिए यही होता है। बिल्कुल, तो हर औरत में होता है ये टैलेंट तो। लेकिन शादी से पहले था मेरा कि मतलब स्टिचिंग मैंने सीखी थी, सिलाई, उसके बाद फिर वो अपने पास से कुछ डिज़ाइन डालना, किसी भी कपड़े को परचेज करना, फिर उस पर डिज़ाइन अपने हिसाब से अपने दिमाग से बनाना, तो बस वो एक था। फिर वो शादी के बाद माशाल्लाह से हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, और इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई रोक टोक नहीं, सही। जो करना चाहती हो करो, और इनका तो है कि करना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सही, मतलब वो बात तो सही है, लेकिन मतलब एक तो मुझे आप बहुत यंग लगी जब आपसे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर बच्चे भी हैं, घर भी है, लाजिम है कि घर की जिम्मेदारियां भी होंगी, तो वो तमाम तर चीज़ें फिर आप किस तरह मैनेज करती हैं?
बस यही बात है कि अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल तो निकालना बिल्कुल चाहिए। तो बस माशाल्लाह से फैमिली भी देखती हूँ, बच्चे भी, घर भी, हस्बैंड भी, इन लॉज भी, और उसके बाद अपना भी टाइम भी निकालती हूँ, और माशाल्लाह आपके सामने है जो भी है। सही। तो मोहम्मद इकराम साहब से पूछते हैं, सर ये सारी जिम्मेदारियाँ माशाल्लाह बखूबी निभाती हैं डिज़ाइनिंग के साथ साथ? अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो भी जिम्मेदारियां हैं बखूबी निभाती हैं हर चीज़। और मैं ऑफिस भी, मतलब मैं ऑफिस भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, डॉन ब्रेड के अंदर हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी हैं, सुबह मुझे ऑफिस भी भेजना, फिर सारी चीज़ों को मैनेज भी करना, फिर माशाल्लाह भी बच्चे भी छोटे हैं, तो ये है कि डिस्टर्ब भी करते हैं, तंग भी करते हैं, लाजिम है छोटे बच्चे तो बहुत, कभी कभी होता है बंदा हो जाता है कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, अजीब सी चीज़ हो जाती है, बट ये कि माशाल्लाह मैनेज करती हैं हर चीज़ को, खाना टाइम पे पकाना, बच्चों को मैनेज करना, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सपोर्ट, बाकी जहाँ पे इनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो चीज़ भी होती है वो मैं सपोर्ट भी करता हूँ, बाकी ये कि माशाल्लाह साथ देती हैं, मैं भी इनका साथ देता हूँ। अच्छा, तो आप जो है वो स्पेशली डिपार्टमेंट संभालते हैं, स्लीपर्स में चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप दिखा सकें कैमरा मैन से पास से, तो आप ये डिपार्टमेंट संभालते हैं? जी बिल्कुल, ये असल में ये हमारा पुराना काम है, मेरे बड़े भाई हैं वो भी, मतलब कारखाना उनका, तो बीच में लॉकडाउन आ गया, कोविड वगैरह हुआ और मेरी जॉब वगैरह छूट गई थी, तो उस हवाले से फिर मेरे भाई ने कहा कि यार आप मतलब परेशान होते हो, सारी चीज़ें हैं, मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ मेरा ये काम है, इसमें मेरा हाथ बटाओ, तो फिर मैंने अपने भाई के साथ स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह। फिर थोड़ी सी इनपुट इन्होंने भी दी, इन्होंने बताया कि ये थोड़े इस तरीके से डिज़ाइंस बनाएं, लेडीज़ को इस चीज़ों की, इस तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं, इस तरीके से इसको करें, इस तरीके से, तो माशाल्लाह जब इन्होंने इनपुट दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलना स्टार्ट हो गया और माशाल्लाह हमारी सेल भी बढ़ गई। बिल्कुल माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप ड्रेसेस में करते हैं कि ये डिज़ाइन ऐसे नहीं ऐसे बना दे? हाँ, कभी कभी अक्सर ये होता है क्योंकि बाहर देखें, आदमी है, मर्द है, बाहर निकलता है, हाँ, चीज़ें देखते हैं लोगों को, तो लोगों को देखते हैं, ख्वातीन नज़र आती हैं तो दिखते हैं कि यार ये डिज़ाइन आजकल चल रहा है तो आप इसको लेकर आएँ, ये डिज़ाइन चल रहा है इसको लेकर आएँ, तो ये चीज़ें होती हैं कभी कभार, कभी स्लीपर्स में मुझे बता देती हैं इस तरीके से करना, ये करना, तो इसी तरीके से ये होता है कि ड्रेसेस में भी ये कर लो यार, थोड़ा सा इस तरीके से कर लोगी इस चीज़ को तो ज़्यादा अच्छा इनपुट आएगा, इसको इस तरीके से कर लोगी तो ज़्यादा इनपुट आएगा। राइट। अच्छा, ये बताएं जन्नत कि लॉकडाउन के दौरान तो लाजम है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन पे चली गई हैं, तो ऑनलाइन सेल हो रही है, लोग किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं? मैंने स्टार्ट लिया था ये तकरीबन मुझे साल होने वाला है, तो उसके बाद मैंने जो रुझान मेरा गया वो एग्जीबिशंस के अंदर गया। हाँ। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जीबिशन की थी पहली दफ़ा, जिसमें मैं कही थी हुनरमंद का प्लेटफॉर्म, जिसके बदौलत आज हम यहाँ आए हैं और उन्हीं के ज़रिए हम यहाँ बैठे हैं, जो कि हर उसका मैरिड हो, अनमैरिड हो, मतलब जैसा भी आपके अंदर टैलेंट है कोई, तो वो उसको आगे लेकर आते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हुनरमंद कराची फेस्टिवल, तो उनके थ्रू मैंने उन्हीं के साथ फर्स्ट एग्जीबिशन करी, फिर मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस करी, फिर लास्ट एग्जीबिशन कोविड के टाइम पे भी मैंने उन्हीं के साथ आखिरी एग्जीबिशन की थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा सिलसिला की जॉब वगैरह का भी हुआ, तो फिर मैंने घर में लाइव सेशन स्टार्ट करा, मतलब एग्जीबिशंस में भी अच्छा होता था, फ्लो होता था, अच्छा होता था, फिर मैंने घर में लाइव स्टार्ट करा, तो माशाल्लाह सेशन करती हूँ घर के अंदर तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन खरीदारी का रेशो अब आप या रुझान आप कितना देख रही हैं इस वक्त लोगों के अंदर? अभी जब लॉकडाउन चल रहा था ना, जब बिल्कुल प्रॉपरली शॉप्स बंद थी, तब तो बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम आ रहा था, क्योंकि हर दूसरा बंदा, इवन के जो शॉप्स वाले थे वो खुद भी लाइव सेशन घर में कर रहे थे, उनकी सिस्टर मदर या जो भी हो तो वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद जो अभी थोड़ी सी क्योंकि लॉकडाउन हमारा माशाल्लाह जो चल रहा है आजकल कराची का, तो वो सुबह मॉर्निंग शॉप खुल रही है, शाम को बंद हो रही है, तो अब थोड़ा सा कम हो गया है ऑनलाइन का रुझान, क्योंकि लोग 6 महीने 3-4 महीने से घर में बैठे हुए, तो वो औरतों को तो वैसे ही होती है जब हम बाहर निकले शॉपिंग जरा हम निकले, बिल्कुल बिल्कुल लोग तो निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ समझदार पढ़े लिखे लोग हैं जो नहीं निकल रहे हैं और वो प्रेफर कर रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ही करें, लेकिन एक चीज़ होती है कि ऑनलाइन पे फिर लोगों का थोड़ा ट्रस्ट इसलिए भी कम होता है क्योंकि अक्सर जो चीज़ें हैं वो दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं, मतलब काफ़ी सारे मामले होते हैं, तो इस वजह से भी नहीं, लेकिन मेरा एक ये चीज़ होता है कि अगर मैं आपको जानती हूँ तो मैं आपको मतलब अपने उसमें रखूँगी, कॉन्टेक्ट में रखूँगी, कि जब मुझे कोई डिज़ाइनर चीज़ चाहिए होगी मैं फ़ौरन पूछूंगी भाई इस तरह की चीज़ बन जाएगी या मिल जाएगी, तो तभी मैं अपनी दोस्तों को भी यही बोलती हूँ कि एक दो डिज़ाइनर्स को जो ना वो अपनी लिस्ट में रखा करो, काम आती हैं ऑनलाइन के हवाले से। बिल्कुल। तो बहरहाल अब इस तरफ जो है वो अर्जुन प्रेमी साहब भी मौजूद हैं,
तो ये बताइए कि गाना कब से गा रहे हैं आप, कब स्टार्ट लिया? गाना तो मैं बहुत छोटी उम्र से गा रहा हूँ, तकरीबन 12 साल की उम्र से गा रहा हूँ। 12 साल से, आज मेरी 27 साल उम्र है। और गाने का शौक और जज्बा जो है मेरे वालिद साहब से, जो कि माशाल्लाह 45-50 साल से जो है वो क्लासेस भी दे रहे हैं, हमारे बड़े गुरुजी मोहन मास्टर उनके शागिर्द हैं, तो उन्हीं से सीखने की काबिलियत अभी भी सीख रहा हूँ मैं। सीखने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो गाना आ जाए। और ये मेरे मालिक का और मेरे उस्ताद का बड़ा करम है कि इस स्टेज पे बैठा हूँ। और दूसरी तरफ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे हुनरमंद फेस्टिवल का, कि जिन्होंने छोटी सी जगह से मुझे वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट दिया गया। उनके अंदर एक ये बात है कि कुछ भी टैलेंट हो आप में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हुनरमंद का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आज यहाँ पे आवाज़ टीवी पे बैठा हूँ। सही, तो एक चीज़ है कि उनका बिल्कुल शुक्रिया हम भी अदा करना चाहेंगे कि टैलेंट को वो आगे ला रहे हैं, लेकिन असल हुनर तो आपका भी है कि आपको मौका दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो है कि वो कहते हैं ना कि हीरे की परख तो जौहरी तरह सकता है, तो हाँ। ये मैं समझता हूँ कि हुनरमंद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो स्ट्रगलर हैं उनको आगे रिप्रेजेंट करना, आगे लेकर आते हैं, आगे लेकर आना। तो मैं भी स्ट्रगलर था, तो जिन्होंने आज आप, मैं तो खुशी का है, मेरे लिए अभी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आवाज़ टीवी पे सामने हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इस तरह के लोग काम कर रहे हैं जो पॉजिटिविटी समाज को दे रहे हैं। बिल्कुल, आप जैसे टैलेंट को सामने लाकर, वरना मायूसी थी हर तरफ के, पता नहीं नेपोटिज्म होगा मीडिया में, क्या होगा, हमें कभी जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब हर इंसान कहीं ना कहीं वो परेशान होता है। लेकिन शुक्र है कि अब अच्छे लोग हैं जो मौका देते हैं और वो चांस देते हैं कि भाई आप भी आगे आ सकते हैं, आप भी आगे आ सकते हैं जी, है ना। सही, चलें जी वापस आते हैं अपने फैशन वाले टॉपिक की तरफ। तो आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है या लोग किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं आजकल? अभी बीच में पेपलम बहुत स्टार्ट था, वो पेपलम जो शर्ट्स चल रही थी, बिल्कुल शॉर्ट जैसे कि ये पेपलम, हाँ ये, तो इसकी बहुत डिमांड आ रही थी। और वैसे तो मैं ज़्यादा जो डिज़ाइन करती हूँ सिंपल कुर्तीज़ होती हैं मेरी, बिल्कुल आप देख रही होंगी, ज़्यादातर प्रिंटेड होती हैं या बिल्कुल सिंपल होती हैं, उस पर भी कोई सिंपल सी डिज़ाइनिंग हो जाती है गर्मी वगैरह के हिसाब से, घर के हिसाब से, किचन के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद मैरिड हूँ जिस तरह से मतलब मुझे लगता है, तो मैं सामने वाले का भी वैसे ही सोच रही हूँ। और यूनिवर्सिटी वगैरह के हिसाब से भी मतलब कुर्तीज़ मेरी बहुत मुझे लगता है, और माशाल्लाह फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है कि बहुत अच्छी आपने जो है, कम्फर्टेबल भी रहती हैं। बिल्कुल, और दूसरी बात है कि इवन सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियाँ नहीं, हम लोग भी जब बाहर जा रहे होते हैं, मार्केट जाते हैं या किसी ऐसे इवेंट में जाते हैं जहाँ मतलब ज़रा सोबर किस्म का एक तबका होता है, तो यही कोशिश करते हैं कि लाइट कलर हो, सिंपल हो, ज़्यादा मतलब वो शो ऑफ वाली चीज़ ना हो। तो आजकल हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि बस कंफर्टेबल रहें हम लोग कहीं भी जाएं तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है आपकी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद फिर बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो व्यूअर्स टाइम आए थे शॉर्ट ब्रेक, जो मैंने था ब्रेक हम पर। जी वीवर साही का पोए वरी अवां के भलीकार चऊं था, भलीकार चवण से गडोगड गाल बोल असानी मेहमानन सा हले पई, पर हाने मैं चाहिंदम त माहौल के थोड़ो चेंज कयो वने, चेंज यकीनन एक ही सूरत में थी सके थो जडे म्यूजिक के शामिल कयो वने। तो पहले ये बताएं कि डिजाइनिंग के साथ साथ म्यूजिक से आप शगुफ रखती हैं, म्यूजिक पसंद है आपको? कभी कभी सिंग कर लेती हूं वैसे ही। अच्छा, शौकिया? शौकिया, सुनती हैं? हाँ बहुत। ज़बरदस्त सर, आप बताइए आपको पसंद है म्यूज़िक? मुझे पसंद बिल्कुल है, पर इनकी आवाज़ में जब ये गाती हैं तो बोलता हूँ अच्छा गाती हैं आप, गाया करें। अच्छा, ये तो मोहब्बत है ना। हाँ, बाकी मुझे वैसे सिंगिंग इतनी, मैं बहुत पुराने गाने सुनता हूँ, बहुत मतलब ओल्ड गाने, मुझे बड़ा सुकून मिलता है उनको सुनने में, तो ये चिढ़ जाती हैं कभी कभी कि कौन से गाने आपने लगाए हैं, कौन से ज़माने के, आप बुड्ढे हो गए, बुड्ढे लगते हैं मुझे, तो बस ये है। पर आप
उस टाइम की सिंगिंग को देखें, उन चीज़ों को समझें, सोचें तो बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल, लेकिन वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो फरमाइशी प्रोग्राम चलता है कि बेगम आज ये सुना दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ भाई आज दिल कर रहा है यार ये वाला गाना सुना। और वैसे भी अक्सर हमारे घर में जैसे डैग वगैरह पे सिंगिंग लगी हुई होती है, गाने सुन रही होती हैं, बोलता हूँ भाई क्या लगा दिया यहाँ पे, क्या सुन रही हूँ, फिर मैं चेंज कर देता हूँ। ज़्यादातर हम लोग कब मतलब अगर मैं सादे अल्फाज में कहूँ कि ज़िंदगी को जीते हैं आप लोग डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही खुश हैं। चले फिर ऐसा करते हैं कि अर्जुन प्रेमी को सुन लेते हैं। दो प्रेमी यहाँ हैं, एक अकेला प्रेमी यहाँ है, सिंगल वाला जी। ऑन हेलो अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामे फिदाए नाम अली I'm
बहुत खूब, बहुत उम्दा। और टीवी पर फर्स्ट टाइम आप गा रहे हैं? नहीं, पहले भी मैं टीवी वन से भी गा चुका हूँ और बोल चैनल में भी गा चुका हूँ मैं। सही, तो लाइव शो जो है मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, लाइव फर्स्ट टाइम? लाइव फर्स्ट टाइम है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। असल में हम जो है वो जिस तरह का एकदम खुला गाना होता है, ऑर्केस्ट्रा पूरा लगा होता है, फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रैक पर गा रहा हूँ मैं, तो बड़ी एकदम अंदर से खुशी भी है। यहाँ पे बैठा हूँ मैं और अंदर से मेरे जो उस्ताद भी जो है मुझे देख रहे होंगे, तो देख रहे होंगे, तो मैं उस्ताद जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई गलती गुस्ताखी की हो तो मुझे माफ़ करना। बिल्कुल, बनाती हैं लेकिन सीखने वाला हो तो। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया और मज़ीद यकीनन वक्त के साथ फिर निखार आता है, चीज़ें और बेहतर होती हैं। आप बताइए, जन्नत कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त। मैं तो पहले भी सुन चुकी हूँ हुनरमंद के प्लेटफॉर्म। अच्छा, आप इनको पहले भी सुन चुके हैं? बिल्कुल, हुनरमंद के प्लेटफॉर्म पे सुन सर आप भी सुन चुके हैं जी? बिल्कुल, हुनरमंद सर हम ही पहली बार सुन जी, जी। चलें जी, ये भी अच्छी बात है कि आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। बहरहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वही मैंने अपने इंट्रो में बात की कि आजकल जो है ना वो चीज़ें महंगी बहुत ज़्यादा हो गई और हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है। तो आपके यहाँ क्या मामला है महंगाई का, मतलब मुनासिब रेट्स हैं या? हमारे जो रेट्स हैं वो बहुत मुनासिब हैं और ऐसा बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि कोविड का फ़ायदा भी उठाया है। बिल्कुल, मैं यही बात कर रही हूँ। मतलब 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए की कर दी। बिल्कुल, 10 की चीज़ 20 की कर दी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो हमारे रेट्स चलते चले आ रहे हैं वही हैं। हाँ, अगर जैसे कि अब 2 से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो ऑब्वियसली रेट थोड़े बहुत तो बढ़ते ही हैं, लेकिन फिलहाल हमारा 1 ईयर से तकरीबन सेम रेट चलते आ रहे हैं जी। बिल्कुल, अगर हमारी कुर्तीज़ पे आप बात करें तो हमारी कुर्तीज़ स्टार्ट 500 से। 500 से हमारी कुर्तीज़ स्टार्ट हैं, आपके मतलब सामने है रेडीमेड कुर्ती, आपको 500 से स्टार्ट है, 1000 पे इनफ है। और जो हमारी स्लीपर्स हैं वो भी हमारी 500 पे स्टार्ट हैं। और जब हम लाइव करते हैं सेशन अपने घर में, तो उसमें हम कोई ना कोई डील निकालते रहते हैं अपने कस्टमर के लिए कि वो भी इंस्पायर हों और लें हमसे। हमारा सर्कल अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह, क्योंकि मेरा पेज बना हुआ है FB पर माहिस कलेक्शन के नाम, माहिस कलेक्शन। जी, तो वो डील्स किस तरह की होती हैं? मतलब जैसे कि हमारी स्लीपर 500 की, अगर किसी ने 4 स्लीपर ली तो हमने उनको 1 स्लीपर गिफ्ट कर दी। अब किसी ने 4 स्लीपर ली तो हमने 1 कुर्ती गिफ्ट कर दी। कुर्ती गिफ्ट करने का बेसिकली एक ये मकसद भी होता है, फैब्रिक चेक करवाना, स्टिचिंग दिखाना, तो वो बहुत इस चीज़ से मुतासर होते हैं, होते बहुत ज़बरदस्त रीज़नेबल, तो फिर वो ऑर्डर करते हैं। कोई कस्टमाइज़ करवाना चाहता है कि यार हमें हमारे हिसाब से ये डिज़ाइन है, अगर आप ये बनाना चाहें बिल्कुल आप अपना डिज़ाइन दें, हम उस हिसाब से भी रेडी करके देंगे। कपड़ा हमारा होता है, कोई डिज़ाइन, सपोज़ आप कोई डिज़ाइन बताना चाहें, जन्नत मुझे वो डिज़ाइन पसंद है तो मैं आपको वैसा डिज़ाइन बनवा के दूँगी। सही, और कोई फेब्रिक की फरमाइश करे कि जी यही डिज़ाइन, अगर फ़र्ज़ करें जैसे ये ब्लैक वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने देखा जब आपने मुझे प्राइस बताई तो मैं हैरान थी कि फेब्रिक इतना अच्छा इसका है और डिज़ाइनिंग भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसकी की हुई है, तो अगर कोई ये कहे कि नहीं जी यही चीज़ अब मुझे डिफरेंट फैब्रिक में चाहिए, सिल्क में चाहिए या वो, तो वो चीज़ें भी आप लोग करते हैं? वैसे बेसिकली अभी तक मैं सिल्क पे आई नहीं हूँ, ज़्यादातर जो मेरा वर्क है वो लॉन कॉटन, लॉन लीलन, ठीक, या एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज भी होती हैं मेरे पास जो कि मैं लेके स्टिच करवा लेती हूँ, और मैं लेकर नहीं आई क्योंकि वो वैसे ही बारिश की वजह से। हाँ, बारिश की वजह से, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। हर तरह की होती है, बट अभी तक मैं सिल्क पे आई नहीं, लेकिन अगर कोई चाहे कि हमें सिल्क के अंदर बनवाना है तो हम उसमें भी कोशिश करेंगे बिल्कुल, कि जहाँ से हम कपड़ा लेते हैं, परचेज करते हैं, क्योंकि एक शर्ट के लिए हम जो है वो कपड़ा नहीं लेकर आ सकते, वो लाजम है कि फिर आपको वो एक पूरा बिल्कुल एक बल्क क्वांटिटी में उठाना पड़ता है, फिर उसी हिसाब से हम पीस निकालते हैं अपने सिस्टम से, वो फिर बनता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह से होता है। सही, तो अगर सर कोई फ़र्ज़ करें, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है अपने घर पर, अभी क्योंकि अभी तक लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, तो अगर वो अपना कोई जैसे स्लीपर्स वगैरह का ही बिज़नेस करना चाहें तो ऑनलाइन उनको कुछ सजेशंस आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस रखते हैं माशाल्लाह? हम तो वैसे भी ऑफ़र्स करते हैं, क्योंकि जो करना चाहते हैं, अपना वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, हम उन्हें ऑफ़र्स करते हैं कि हमसे आप होलसेल प्राइस
हम तो बेच रहे हैं पर हम होलसेल प्राइस में उनको रेफर करते हैं कि आप हमसे होलसेल प्राइस में हमसे परचेज करें। असल में इसमें साइजेज होते हैं 6 to 11 वन पैकेट के अंदर साइजेज होते हैं। अगर आपको बॉक्सेस में चाहिए तो हम आपको बॉक्सेस में भी देंगे और अगर आपको जैसे प्लेन शॉपर वगैरह में पैक करके 6 पीस उस तरीके से भी दे देंगे और हम उनसे थोड़ी बहुत प्राइस के अंदर भी कमी पेशी करते हैं कि आप लोग पास अल्हम्दुलिल्लाह रीसेलर्स भी हैं। रीसेलर्स हैं ऐसी वो खवातीन हैं जो घर बैठ के स्लीपर्स और कुर्तीज लेके काम कर रही हैं। और मैं कहती हूँ सिर्फ ये टैलेंट तो हर औरत में है, अपना घर संभालना, घर चलाना, बच्चे देखना, लेकिन एक अगर आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है जिसको आप आगे लाना चाहती हैं और आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो हुनरमंद जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप बिल्कुल आगे आएँ। सिर्फ ये नहीं कि आप नहीं सी सकती या आप नहीं कर सकती या आप कोई डिज़ाइन नहीं कर सकती, आप कुछ बना नहीं सकती, बोलना भी एक बहुत बड़ा फ़न है। बिल्कुल, और कायल करना। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी वही वाली बात की ना कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो वो दुकान वाला समझ जाता है कि भाई ये जो आवाम है या ये जो लोग हैं किस तरह इनकी नफ्सियात क्या है, या वो देखते ही वो जान जाते हैं कि ये किस तरह का कस्टमर है, कि मतलब ये बार्गनिंग करेगा या ये ऐसे ही ले लेगा। तो वो चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें जो उस पर मैं डिस्कस करती हूँ अभी कि उसके बाद क्या मामला होते हैं। सो ब्रेक का टाइम है व्यूवर्स, टाइम आए थे ब्रेक जो ब्रेक ना बदना सी ब्रेक का पोई सिलसिले के साथ थे जुड़ी ना सी असन से गड रहे जो व्यूवर्स वरी मां सभी के भली कार चूं था थोड़ी देर का पोए अवां के जेके ड्रेसेस आए नो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करे ये तवां के देखारींदा सी स्क्रीन ते बाकायदा देखारींदा सी पर छो तो चाय अची वई है इन करे मां नथी चाहियां त गालन में चाय थदी थी वने सो असां चाहींदा सी त अर्जुन खां कोई कलाम असां ॿुधो पहिरियो। क्या ख्याल है, आप अपनी चाय लीजिए प्लीज सर। चाय जी अर्जुन, तो अब आप क्या सुना रहे हैं? हेलो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का। क्या बात है जी, कितना सोना। ओहो हो जाए। हेलो जी जी, माइक कौन है आपका? बिल्कुल आप गाइए।
दिल कर वेख दारवा किन्ना सोना तेन रब ने बनाया किन्ना सोना रब ने बनाया। बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो नुसरत जी वैसे ही मेरे बहुत फेवरेट हैं और आपने कमाल का इंसाफ किया है। मेरे असल में आइडल भी हैं वो, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। क्या बात है। तो तकरीबन भी जहाँ मैं शोज़ वगैरह में जाता हूँ तो उस्ताद जी का नाम लेके उस्ताद जी के जो जितने भी हैं नंबर जो हैं वो सामने पेश करता हूँ तो बड़ी अच्छी जो है वो पज़ीराई मिलती है। एक तो आपकी वॉइस सूट कर रही है इस तरह के जो कलाम जो भी आपने गाए हैं जो आपका इंतखाब है। दूसरा नुसरत जी का कलाम महफिल में लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि ऐसे ही। उनके जो लिरिक्स हैं आजकल की यूथ को, जैसे अभी आपने ये गाया किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, ऐसे बहुत सारे कलाम जो महफिल में गाएं तो नौजवान जो है वो झूम उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह। और माशाल्लाह आपकी जो आवाज़ है ना वो भी इंसाफ कर रही है उस चीज़ के साथ, तो बहुत खूब बहुत उमदा। हाशिम भाई सुठुआ है ना माशाल्लाह, ज़बरदस्त बिल्कुल। सो वापस से संगाल बोल रहे वतना से। अच्छा जी ये बताइए कि अब मैं चाहूँगी कि कुछ कुर्तीज़ के हवाले से हम लोग बात करें कि आपने डिज़ाइनिंग, पहले मुझे ये बताएंगे आपने कोर्स कहीं से किया था या बस जो वो आपका जो घर का एक शौक़ था आपने उसी को अमली जामा पहनाया? नहीं मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं किया, बस जो एक शौक़ था उसी को जो है मंजर आम पर लेकर आ गए। ठीक। अच्छा तो ये डिलीवर किस तरह करती हैं, मतलब अगर कोई ऑर्डर करना चाहे या? हाँ वो हमने कुछ राइडर्स रखे हुए हैं। अच्छा ग्रेट जी। तो उनके थ्रू जैसे कि सिर्फ उनकी भी एक तरीके से रोज़ी लगी हुई है। बिल्कुल। तो डीसी चार्जेस होते हैं हमारे ऑल ओवर कराची 200 और राइडर के थ्रू हम मतलब करते हैं। माशाल्लाह काफ़ी फास्ट सर्विस है, आगे अगर आपने अभी डन करवाया तो आपको टुमारो इसी टाइम पे आपका पार्सल रिसीव हो जाएगा। सही। और कराची से बाहर भी आपका काम जी, होता बिल्कुल है? बिल्कुल कराची से बाहर हमारा बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह और बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं कराची से बाहर के। हैदराबाद हो गया और मुझे तो कराची से बाहर के इतने नाम भी नहीं पता कि मैं कराची से बाहर कभी गई नहीं हूँ। सही। तो बहुत सारी जगहों से ऑर्डर आते हैं और हम करते हैं माशाल्लाह। तो अभी तो माशाल्लाह अब ये जो सिंपल कुर्तीज़ हैं इन पर ही काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो हैवी का कभी सोचा है कि लाइक पार्टी वेयर या ऐसे डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से? जैसे अभी तो स्टार्टअप है, हाँ 1 ईयर ही हुआ है तो इसलिए अभी इतना आगे बढ़ नहीं सकी और पार्टी वेयर्स और थोड़े हैवी की तरफ जाना क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी हैं। हाँ ये बात है। वो अभी सिर्फ 1 ईयर की हैं और बेटे माशाल्लाह 3 ईयर्स के हैं तो इसलिए अभी इन पर ही फोकस है। इंशाल्लाह ताला बेटी थोड़ी बड़ी होंगी तो फिर आगे है। सही। और कोविड की वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, लाजम सी बात है कि फिर वो क्या कहते हैं काम वाले जो बनाते हैं काम उनसे मिलना और डिज़ाइन बताना ये सारी चीज़ें झमेले अभी यकीनन बंदा नहीं पाल सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल। अच्छा तो मतलब कपड़े तो सारा आप यकीनन ऑनलाइन संभालती होंगी तो इनकी सेल का ये जो यहाँ पे चप्पल्स पड़ी हुई हैं वो सर आप संभालते हैं या वो भी ऑनलाइन? जैसा कि ना ऑनलाइन जो शो मतलब सेशंस वगैरह करती हैं उसमें ये संभालती हैं, बाकी मेरे अपने कस्टमर्स वगैरह हैं जो मुझे ऑनलाइन भी ऑर्डर्स करते हैं और वैसे मेरे कारखाने वगैरह पर आते हैं तो उनका अपना ऑर्डर होता है पर्सनली कि हमें सर ये वाला डिज़ाइन इतने पैकेट चाहिए ये डिज़ाइन इतने पैकेट चाहिए, वो तो ऑलरेडी काम चल रहा होता है भाई के साथ। सही। ठीक है। बाकी ये कि ये मुझे फरमाइश करती हैं कि ये वाला डिज़ाइन यार खत्म हो गया ये ला दें ये ला दें okay. तो वो फिर मैं इन्हें ला के दे देता हूँ। ये तो मतलब वो है ना फ्री वाली के जो हाँ, चाहिए वो आपने बना दिया इनके लिए। बना हुआ होता है ऑलरेडी कस्टमर्स के ऑर्डर लगे हुए होते हैं बस इन्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो मैंने ला के दे देता हूँ उठा के दे देते हैं। जी अक्सर ये होता है कि कभी नहीं भी होता डिज़ाइन तो हमने कस्टमर से माल तो करते। अच्छा एक चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी कि जैसे ये गुच्ची आपने लिखा हुआ है इसके ऊपर तो लाजम है कि हर कोई गुच्ची अफोर्ड नहीं कर सकता, जो ब्रांड है या डियोर है या शनेल है डिफरेंट है, तो बड़ी मज़े की बात है कि उनकी मतलब एक तरीके से कॉपी है कि आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं कि जी आपने गुच्ची की चप्पल पहनी। असल में देखें बेसिकली जब मैंने काम स्टार्ट किया मैंने एक माइंड में सोचा, फिर हमने अपना पेज जो था हमारा वो माहीज कलेक्शन के नाम से था तो मेरे दिल ने भी नहीं माना, मेरी बेटी का नाम था माहीज, माहिजा नाम है मेरी बेटी का, तो माहीज कलेक्शन के नाम से हमने अपना काम स्टार्ट किया तो वो फुटवेयर पे हम बेटी का नाम मुमकिन नहीं था, मुमकिन नहीं, वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगी तो हमने सोचा क्या कर किया जाए, फिर मशवरा किया वाइफ से, उन्होंने कहा कि जी देखें कंपनीज तो इतनी चल रही हैं आप किस किस का नाम दे दें इस तरीके से, तो फिर हमने इस तरीके से इसको नाम
अलग अलग कंपनीज के दे दिए। तो मतलब वो डिज़ाइन भी उसी की कॉपी है या डिज़ाइन डिफरेंट है, जस्ट आपने नाम दिया है? नहीं नहीं, डिज़ाइन तकरीबन होते हैं 75-80%। मतलब देखें, एक्यूरेट नहीं बना सकता बंदा, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ है वो एक ओरिजिनल है और उसके प्राइस भी आप देखें, सोल वगैरह हर चीज़ उसका महंगा होता है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। बट ये कि हमने कोशिश की है एक अपने पास से, अपनी तरफ से, कि कस्टमर को ऐसी चीज प्रोवाइड कर दें कि वो पहन के खुश और लगे कि उसने जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर के उन्होंने ब्रांड पहना हुआ। एग्जैक्टली, मैंने यही तो बात कही कि अगर फर्ज करें कोई शनेल तक नहीं पहुंच सकता, डियोर नहीं पहन सकता, तो वो अगर आपसे कह दे कि जी ये डिज़ाइन मुझे बना दें, तो वो अपने मटेरियल के हिसाब से वो एटलीस्ट वो डिज़ाइन तो बन सकता है जी। पर ये कि एक दो पीस नहीं बन सकते, मैक्स ये होता है कि हम फिर डिमांड करते हैं कम अज़ कम आप 5 पैकेट्स बनवाएं, फिर आप आगे सेल करते हैं। मतलब आप देखें, एक कस्टमर है वो एक पीस बनवाएगा तो वो एक पीस नहीं बन सकता, वो लाजम सी बात है कि एक पीस के लिए आप कहाँ से मटेरियल, वो इतना वो तो नुकसान हो जाएगा। फिर हाई क्लास अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास नहीं कर सकते हैं जी। सही, बिल्कुल आपने उनके हिसाब से रीजनेबल रखे हैं। अब देखें, कोविड भी आ गया बीच में, हमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, हमें मटेरियल नहीं मिल रहा, कुछ चीज़ों में हमने बहुत सारी चेंजिंग्स भी कर दी हैं, कहीं पे सोल अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ नहीं हमें मिल रही, बट हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हम भी कर रहे हैं हर तरीके से, और रेट बढ़ते जा रहे हैं पीछे से, हर चीज़ हमें भी महंगी आ रही है, पर हमने अपने रेट्स को वहीं पर बांध के रखा हुआ है कि नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। शुक्र है कि आप लोगों ने प्राइस नहीं बढ़ाए, वरना अभी मैंने जो सिंधी ज़ुबान में अपने इंट्रो में एक बात कही कि वो दुकान वाला जो ना वो नफ्सियात समझ जाता है कि ये बंदी किस तरह की है। अच्छा, आप ज़ाती तौर पर मुझे बताएंगे, जब कभी आप किसी पार्टी के लिए या किसी शादी के लिए जोड़ा ख़रीदने जाती हैं, तो आप कुछ रकम कम करवाती हैं या जितना दुकान वाले ने बोला आपने दे दिया? नहीं, ये तो मैं समझती हूँ कि हर औरत की जो है ये एक कहना चाहिए कि दिमाग होता है, हर औरत की एक नफ्सियात है ये कि शॉप पे जाना है और बार्गेनिंग लाजमी करवानी है, तो मैं तो करवाती हूँ। बास टाइम ऐसा होता है कि ये कहते हैं कि बस ज़्यादा बहस नहीं, अब ले लो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर वो 100 की चीज़ है ना, वो मैं उसको 5 रुपये पे ले आऊँ। एग्जैक्टली, अच्छा पता होता है, मर्द बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, छोड़ो क्या बहस कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, दे दो पैसे, निकलो यहाँ से। एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, मैं कहता हूँ कि बस अब बोल रहे हैं ना, अब ले लो, दुकानदार कह रहा है सही कह रहा होगा, वो ले लो। बट अब जब हम इस फील्ड में आए, हमें चीज़ों का आइडिया हो गया कि ये चीज़ कितने की है, मैक्स हम इससे ज़्यादा की नहीं लेंगे, बस वो एक आइडिया हो गया फिर हमें। मुझे तो भाई शॉप वाले बोलते हैं, आप क्या कोई ख़तरनाक किस्म की टीचर हैं क्या, आप अपने उस बात से हटती नहीं है और आप इतना स्ट्रिक्टली बोल देती हैं कि नहीं भाई मैं तो इतना ही दूंगी। तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, क्योंकि मैं आपकी साइकोलॉजी को जानती हूँ, मेरी मदर आप मुझे नहीं जानते, मेरी मदर इन लॉ हैं, बिल्कुल इसी तबीयत में हैं, कभी कह करने वाली थी मेरी, वो लड़ जाती हैं समटाइम्स, वो मतलब चीज 500 की है, उसकी लास्ट प्राइस 300, लेकिन अम्मी उसको 150-100 पर ले आती है, मैं भी कहती हूं अम्मी मैं आगे जा रही हूं, आप लेके आ जाइएगा। अच्छा, मैं क्या होता है, कुछ चीज़ों पे दिल आ जाता है, सही, दिल आपका आया, लेकिन अब वो जो आपको प्राइस बताई जा रही है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये इससे कम हो सकता है। फिर वो मार्केट का हिसाब भी होता है कि आप अगर मतलब किसी बड़े मॉल से ले रहे हैं तो वहाँ पर समझ में बात आती है, आप किसी छोटी जगह पर जा रहे हैं और वहाँ आपको वो बड़े मॉल वाली प्राइस मिले तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है ना, और वहाँ पर लाजम है कि मटेरियल का डिफरेंस आ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से फिर ये औरतों को हमेशा ऐसा करना चाहिए कि प्राइस थोड़ी कम करवाएं, ऐसे ही अपने हस्बैंड या भाई या बाबा की जेब पे ऐसे डाका ना डालें। सो बहरहाल व्यूअर्स, टाइम आए थे ब्रेक, जो मिलो था ब्रेक का फॉर। जी व्यूवर्स, साही खां पोए वरी अवां के भली कार चवां थी, कुछ कपड़न जे हवाले सां भी गालायूं पिया ऐं कुझु अवां खे तरीक़ा भी ॿुधायूं पिया त मार्केट जॾहिं वञो त ख़रीदारी कीअं कयो। पर अॼुकल्ह त ऑनलाइन जो ज़मानो आहे ऐं घणे भाङे हाणे जेका शॉपिंग आहे उहा ऑनलाइन थिए पई, त उहे बि कुझु नंढा नंढा तरीक़ा अवां खे ॿुधाए चुका आहियूं। बहरहाल, काफ़ी अहिड़ा डिज़ाइनर आहिनि जिन ते ट्रस्ट करे सघिजे थो, ऑनलाइन उन्हनि खां ख़रीदारी करे सघिजे थी। बाक़ी का शइ बिल्कुलु तव्हांजे लाइ नई आहे त उन हिसाब सां पोइ थोरा मामला कॾहिं कॾहिं ख़राब थी वेंदा आहिनि, या शयूं तव्हांजे या जेका शइ तव्हांखे ॾेखारी वेंदी आहे उहा शइ तव्हां ताईं न पहुचंदी आहे, उनजे बदिले में का अहिड़ी शइ पहुचंदी आहे जेका तव्हांखे ॾिठे न आहे वणंदी। त ऑनलाइन में इहे नंढा नंढा इशूज़ आहिनि, पर उनजे बावजूदु मां सम्झां थी इलाही हाणे शयुनि में बहितरी आई आहे, इम्प्रूवमेंट आई आहे।
उन्हें तो असा गाली पर इन पास मौजूद है अर्जुन प्रेमी साहब। तो सॉरी अचानक वाला वार था मैंने आपको और फिर बताया नहीं था कि अभी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन वो मुझे इंस्ट्रक्शन मिली कि भाई पहले सॉन्ग सुन ले, क्योंकि बातों में फिर वो वक्त निकल जाता है, आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो क्या सुनाएंगे अब आप? अभी वो सुनाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गाना है, था और रहेगा। कौन सा? मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, ठीक है जी, हो जाए। भूल जाने का है मुझको सिखाते जा, जा रहे हो तो सभी मिटाते जा, चलो रसमन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते तनुत को निभाते जब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां गम के खजाने में लुटे गए, दिल मिलती है तन्हाई, कभी आंसू कभी आहे कभी शिकवे कभी नारे, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, मैं समझा था तुमको तो क्या और मानू, मेरी जिंदगी में मेरी
लाजवाब लाजवाब। और ये मतलब इस गाने ने और खानी के गाने ने तो मतलब सारे रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ दिए थे। तो माशाल्लाह आपने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आपको कैसा लगा? वैसे मैं देख रही थी आप इंजॉय कर रही थी। ये बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत पसंद है ये गाना, लेकिन मुझे गाना नहीं आता। गाना कभी कभी गुनगुनाती भी है पर गा नहीं पाती। मैं भी यही कहने वाला, आप इसी की फरमाइश क्यों करते हैं गमगीन सॉन्ग की? अच्छा लगे मेरे पास तुम हो। तो आज अगर मैं मतलब फरमाइश करना चाहूँ कुछ सुनने की तो कर सकती हूँ आपकी इजाज़त से या रहने दूँ? कर लें, सुना देंगी आपको। जी जन्नत कर सकती हूँ फरमाइश। सॉन्ग है जो मैं गाती हूँ, पुराना ही है, तो ये मुझे ये कहते थे ये गाती हो या इसको कुछ गाने के जो बोल हैं तो वो कुछ इस तरह के ज़िंदगी में कुछ करके भी दिखाना है, तो वो माशाल्लाह से करके भी दिखा दिया है। सही। तो अगर कोई आपका फेवरेट कोई सॉन्ग, बिल्कुल मैं अभी जो गाना मैं सुनना चाहूँ थोड़ा सा दो लाइन। फर्स्ट टाइम है मैंने कभी कहीं पे भी मतलब स्कूल वगैरह में बड़ी शाय थी मैं ना, तो जैसे स्टेज पर होता है प्रे वगैरह के अंदर नात होती है या कुछ असेंबली वगैरह के अंदर, तो मैं नहीं जाती थी, मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। मुझे टीचर को सुना दिया करती थी और जब टाइम आता था तो भाग जाती थी कि नहीं भाई मुझे बड़ी शर्म आती है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह कि मैं इस तरह से कैमरे के सामने बैठी हूँ और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक, तो आप पूरा गाना चाहेंगे या थोड़ा सा गुनगुना? थोड़ा सा। ओके ठीक है, आप गुनगुनाइए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। क्या बात है। नाइस। और वो जो केमिस्ट्री है ना आप दोनों की, वो मुझे दिख रही थी अभी कि आप अभी भी जो ना वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो अल्लाह करे कि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आपका रिश्ता हमेशा यूं ही सलामत रहे। और यकीन करें बड़ी हिम्मत की बात है, हालांकि इस कुर्सी पे बैठकर अक्सर मुझे हाशिम भाई बोलते हैं, हाशिम भाई होश की दुनिया में आ जाए, पता नहीं कौन सी दुनिया में आप गुम हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि शाजिया आप कुछ गाएँ, लेकिन यकीन करें मैं नहीं गा पाती हूँ। और अगर मैं कभी गाने की कोशिश भी करती हूँ तो जो मैं घर पे गा रही होती हूँ उससे टोटली डिफरेंट होता है। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम तो था। शुक्र है कि आपने गा लिया। अच्छा एक और चीज़। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कर सकती हूँ आगे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं। कोशिश करें रिहर्सल के साथ। अच्छा ये थोड़ा सा है कि ये कहती हैं कि जब तुम मेरे साथ होते हो ना तो मैं हर चीज कर लेती हूँ। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और जब ये अलग यानी अकेले में इनको कभी अक्सर ये होता है कि यार आप कर लो या आप देख लो मैं जा रहा हूँ मुझे काम है या मैं बिजी हूँ, तो फिर ये कि नर्वस हो जाती है, थोड़ा बोलती है यार तुम हो तो सही हो जाता काम, वरना मैं परेशान रहती हूँ। मतलब वही बात है कि मेरे पास तुम हो। सही। अच्छा ये बड़ी मतलब जबरदस्त बात आज मैं सुन रही हूँ, आप लोगों की जो केमिस्ट्री है यकीन करें आज के दौर में ऐसा देखने को यकीन करें नहीं मिलता। और अब जो रिश्ते इतने कच्चे हो गए हैं या डोर बहुत जल्दी टूट जाती है, बॉन्डिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो इतने सालों में माशाल्लाह आप लोग स्टिल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी भी बहुत यंग एज में शादी हुई है 18 में और अभी जस्ट हमारी शादी को 5 ईयर्स हुए हैं। सही। और माशाल्लाह देख लें सामने यही तो मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह क्या बात है।
माशाल्लाह से। और बाकी ये कि कभी होता भी है तो ये बहुत सपोर्ट भी करती हैं, कभी मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ तो ये भी सपोर्ट कर रही होती हैं कि नहीं इस तरीके से इस तरीके को मैनेज कर लें, इस चीज़ को मैनेज। आजकल जैसे आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक ने किस तरीके से किया हुआ है, ओवर बिलिंग इतनी आ रही है, वो सारी चीज़ें, अब सैलरी होती है एक मखसूस चीज़, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, सब चीज़ों को लेके चलना, माशाल्लाह छोटे बच्चे जिनके हों फिर आपको पता है किस तरीके से डबल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उनको भी आपको संभालना है फिर ये सारे मसाइल जो हैं। बल्कि यकीन करें अपर क्लास के लिए तो शायद ये चीज़ें इतना मसला ना हो, लेकिन लोअर क्लास जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं वो, और जो मिडिल क्लास, जैसे हम मिडिल क्लास भी बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं। अब जो है ना वो मिडिल और लोअर क्लास जो है ना, अब मिडिल लोअर पे आ गए हैं, लोअर वाले जो हैं वो और भी ज्यादा डाउन हो गए, करोड़पति जो है वो रोडपति बन गए इस टाइम, वो वाली सूरत हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा, इवन हमारा इस वक्त जो है ना वो यूं कहूँ कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की इकनॉमी पर बड़ा असर, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना वो डाउन चल रही है, तो इस सूरत हाल में लाजम है कि सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। लेकिन माशाल्लाह आप लोग बड़े लकी हैं कि आपका ऑनलाइन भी एक काम चल रहा है, और मतलब आपकी वो जो एक लाइफ है वो रुकी नहीं है, वो चल रही है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ रुक गई है, जिनके पास सर्वाइवल के लिए बाकी कुछ नहीं बचा, तो उनको तो यही सजेशन दूंगी कि भाई आप इस तरह का कोई अच्छा सा काम कर लीजिए, ऑनलाइन आप कुछ कर लीजिए, और हो सकता है आप लोग सपोर्ट अगर किसी को करना चाहें तो हमेशा हाजिर हैं सपोर्ट के लिए। जबरदस्त, जैसे हुनरमंद कराची फेस्टिवल सपोर्ट के लिए ही खड़ा है, सजनान और मोमल बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, बहुत जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, उनका मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, उनसे बड़ी अच्छी मेरी गुफ्तगू रही थी। अब चूंकि ब्रेक का टाइम है इसलिए मैं चाहूँगी कि ब्रेक की तरफ बढ़ूँ। सो व्यूअर्स टाइम आए थे शॉर्ट ब्रेक, जो मिलो था ब्रेक हम पर। जी व्यूवर साही खां पोए वरी अमां सभिनी खे भली कार चवां थी। हाणे छो त एक तामी लम्हा आहिनि, इन करे मां चाहींदमि त कुझु ड्रेसिस ते ॻाल्हायो वञे, जेको कचहरी जो दौरान मूंखां ॻाल्हि ई विसरी वई त भई मुंहिंजी ड्रेसिस बि पिया आहिनि ऐं हिननि ते बि थोरी कचहरी करणी आहे। सो सबसे पहले तो इहे पीछे हिकु अर्जुन के पीछे येलो कलर का ड्रेस, नहीं आपको उठना नहीं पड़ेगा, वो हमारे कैमरामैन वैसे ही पकड़ लेंगे इसको। सो येलो वाला ड्रेस है, इसका फैब्रिक क्या है, क्या डिटेलिंग है इसकी, कुछ बताएंगे? लीलन, लीलन पर है जी। ठीक, और आपने प्रिंटेड स्लीव्स, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल येलो सा बनाते तो ज़रा सिंपल सा लुक आता, तो उसके साथ थोड़ा सा मेरा माइंड ने कहा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने क्या स्लीव्स प्रिंटेड करी और फिर फ्रंट पट्टी जो है वो प्रिंटेड करवा दी, वरना ये ऐसा लगता है जैसे मायो में बिल्कुल सिंपल शर्ट हो जाती ना। बिल्कुल, और एक वो ब्राउन कलर की है, उसके ऊपर कोई काम किया हुआ है या कोई कुछ प्रिंट भी नहीं है, जस्ट उस पर जो है फ्रंट पट्टी है और उस पर जो है वो बटन है बस। नहीं नीचे ब्लॉक प्रिंट है, कौन सी प्रिंट है? ब्लॉक प्रिंट नहीं है, प्रिंट सिंपल नॉर्मल जो प्रिंट होती है उसका फैब्रिक लॉन है, लॉन के ऊपर बनी हुई है, और ये तो जेब्रा प्रिंट है विद फ्लोरल और एनिमल्स एनिमल्स बने हुए, नहीं बर्ड्स हैं। देखें थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, इसकी स्लीव्स पे ध्यान दें, एक बिल्कुल चेंज कर दी इन्होंने और एक बिल्कुल चेंज कर दी, ये डिजाइन है, ये मैंने अभी ध्यान फैशन है, मतलब एक स्लीव्स कुछ चल रही है। आजकल आप देखें टिकटॉक माशाल्लाह कैसा हमारा फेमस जा रहा है, तो उस पे भी आजकल एक स्लीपर चेंज चल रही है, एक स्लीपर चेंज चल रही है, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा। इवन मेल्स के अंदर मैंने काफी इवन एक्टर्स को देखा कि एक जूता जो है वो ऑरेंज कलर का पहना हुआ है, दूसरा जूता जो है वो शॉकिंग पिंक पहना हुआ है, तो पहले तो मुझे लगा कि शायद ये शायद मेरी तरह अक्सर भूले से हम भी ऐसे जल्दी जल्दी में निकल आते हैं, तो ये ट्रेंड चल रही है, ये ट्रेंड चल रहा है, अब हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। और ऑरेंज डोरियां जो है वो पिंक में लगी हुई है, पिंक डोरियां ऑरेंज में लगी हुई है, तो ट्रेंड चल गया, मुझे लगा कि शायद बेचारा जल्दी से घर से निकल आए। तो आपने भी वही किया है कि एक स्लीव, क्योंकि हमारा भी यही चल रहा है आजकल, जैसा फैशन वैसा हमें फॉलो अप करना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो बात है। अच्छा, डिमांड है, लड़कियां ऐसा मतलब बहुत चाहती हैं बहुत। अच्छा, एक एक बीच में चला था कि शर्ट का
एक मतलब जो फ्रंट है वो एक कलर का, बैक जो है वो दूसरे कलर का, स्लीव जो है वो तीसरे कलर की, फिर ये चला कि आधी शर्ट एक कलर की आधी दूसरे कलर की, ऐसा भी चला था। वो सारी चीजें भी आप लोग बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो अभी खैर एक साल हुआ है, तो एक साल के अंदर ज्यादातर ये पैपलम वगैरह ही नोवा हुआ है, लेकिन वो भी चला था, वो मैंने खुद भी माशाल्लाह जो है वो वेयर किया तो वो चला था, और अब तो खैर जो चल रहा है वो सामने ही आपके। सही, तो मतलब अब जो है ना वो सिंपल सिंपल चीजें डिसेंट पसंद करते हैं, डिसेंट लगता है कि वो कहते हैं कि हम ऐसा पहनावा देखें दिखेंगे डिसेंट से दिखें, अच्छे खूबसूरत दिखें, अच्छे लगे, तो लोगों का यही कॉन्सेप्ट हो गया कि हम अच्छी चीज पहने डिसेंट चीज। और आजकल तो सिंपल ट्राउजर, सिंपल शर्ट और कलरफुल दुपट्टे इस तरह से चल रहे, जैसे आपने भी कुछ इसी टाइप का वेयर किया हुआ। हाँ, नहीं मैं तो बहुत प्रैक्टिकल करती हूँ, मतलब मुझे चूँकि आज बारिश हो रही थी पहले तो मुझे लगा कि आज हमारा शो नहीं होगा, तो मैं जल्दी जल्दी से घर से निकली, अपनी हील्स उठाना भूल गई और घर की चप्पलों में बैठ गई, तो मतलब मेरे लिए ऐसे ही होता है कि चले अब जल्दी में क्या है कि मुझे ग्रीन दुपट्टा नहीं मिला, मैंने कॉम्बिनेशन में कुछ उठा लिया, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन किया वो, मतलब मैं वैसे भी स्क्रीन पर बहुत प्रैक्टिकल्स करती हूँ और कलर्स के साथ काफ़ी खेलती हूँ, क्योंकि ड्रेसेस आपके प्लेन हो, एक कलर हो, तो फिर आप उसके ऊपर कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं। अब मैं चुनरी ले सकती थी, मैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट चीज़ों पर, बिल्कुल हाँ, तो वही बात है कि प्लेन जो ड्रेसेस होते हैं आपके पास मार्जिन होता है कि आप उनको चेंज करो, आप उनको डिफरेंट वे में होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है टिपिकल नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज़। हाँ आजकल तो इधर से जोड़ डालो उधर से जोड़ डालो, शर्ट रेडी हो गई, डिज़ाइन हो गया, फैशन हो गया, बिल्कुल यही तो बात है कि मतलब आप किसी को फॉलो मत करो, बिल्कुल आप खुद एक ब्रांड बन जाओ कि लोग आपको फॉलो करें, है ना। और दूसरी बात है कि अच्छा ये जो ना वो छोटी साइज के लग रहे हैं, तो बच्चों के भी आप लोग बनाते हैं या जस्ट फिलहाल बड़ों के? आजकल जो लड़कियां हैं वो काफी छोटे साइज की हो गई हैं, मतलब स्मार्ट लड़कियां छोटे साइज की हो गई या कपड़े छोटे साइज के हो गए? नहीं, दो अलग चीजें। हमारी अम्मी कहती है कि पहले जमाने की खिलाई पिलाई इतनी अच्छी होती थी कि मतलब मेरी दो बड़ी सिस्टर्स हैं माशाल्लाह लंबी हैं चौड़ी हैं, तो पहले जमाने की खिलाई पिलाई अच्छी थी, लंबी लंबी लड़कियां होती थी, अच्छी हेल्थ होती थी, लेकिन आजकल खाना पीना लेस है, कोल्ड ड्रिंक है, यही चल रहा है, तो ना हाइट कोई इतनी खास हो रही है, स्मार्ट स्मार्ट सी लड़कियां हैं, तो तकरीबन ये 17-18 साल की लड़की को भी इजीली आ जाएगी। अगर ये मैं खुद भी वेयर करना चाहूँ तो मुझे भी आ जाएगी। नहीं, आपको तो पूरा पूरा आ जाएगा आपका तो वो है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरा ये आधा जो है ना वो हमारी अगर बड़े बुजुर्ग होते तो वो कहते कि आधा खाना ख़राब तो इस डाइटिंग ने किया है कि लड़कियों को बिल्कुल जो है ना वो सुकड़ी बना दी। सही। अच्छा आप ये बताइए कि आपके फेवरेट मोस्ट फेवरेट सिंगर कौन है? पाकिस्तान में देखा जाए तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी हैं, और इंडिया में देखे जाए तो मेरे वालिद साहब मेरे उस्ताद के हम नाम शंकर महादेवन। शंकर महादेवन जी मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, तो लेकिन शंकर जी का अंदाज और नुसरत जी का अंदाज तो बहुत अलग 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 है, लेकिन मेरे जो दो फेवरेट सिंगर है वो यही है। सही। किसी के अरिजीत सिंह है, किसी के आतिफ असलम, लेकिन मैं ज़्यादातर फॉलो जो है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को। सही। अगर इंडिया में किसी को सुनना चाहता हूँ तो शंकर महादेवन है। शंकर महादेवन मेरे लिहाज से इंडिया में उनके जैसा खतरनाक गायक कोई भी नहीं है। आप ब्रीथलेस सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि शंकर महादेवन क्या चीज़ बिल्कुल है। और उनकी तो ऑनलाइन एकेडमी भी है कि आप ऑनलाइन सीखना चाहें तो आप सीख भी सकते हैं। मैंने वैसे भी उनके लाइव शो देखे हैं, लाइव शो में और रिकॉर्डिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। लाइव शो कर रहे हैं तो उसमें आप हर तरीके के वेरिएशन ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग में तो ये है कि आपने सीधे सीधे गाना गाना, आपने ट्रैक के ऊपर एक सिंगर बाउंड हो जाता है कि आपने यही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइव में आप खेलें आपकी मर्जी, आप कुछ लाइव में तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर हम जो काम करते हैं वो रिदम चल रहा है एकदम सीधा, रिदम से आउट होना फिर वापस रिदम में आना, लाइव का काम तो इतना खुला और कितना खतरनाक है, बाकी जो ट्रैक का काम है रिकॉर्डिंग का काम है एकदम सीधे सीधा। बिल्कुल, उसमें रीटेक का आपके पास ऑप्शन होता है ना कि एक टेक का आपका सही नहीं आया आपने दूसरा कर दिया। अच्छा लाइव में आपके पास जितना मार्जिन होता है उतना वो मुश्किल भी होता है कि आपसे गलती हो गई तो हो गई, हो गई, अब वो आपकी सही नहीं हो सकती क्योंकि वो गया गया। सही। तो लेकिन असल सिंगर वही है जो लाइव को संभाल सके, और माशाल्लाह आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि लाइव आप माशाल्लाह परफॉर्म कर लेते हैं। बिल्कुल, अभी भी कर रहे हैं। तो रियाजत को टाइम देते हैं आजकल या? जी जी, असल में ऐसा हो गया कि बैंक की जॉब एक ऐसी है मैडम कि जाने का टाइम है आने का टाइम नहीं है, फंस गए तो फंस गए, बस वो ऐसा आएगा। लेकिन फिर भी, और मैं भी शादीशुदा हूँ और उसके बावजूद भी आधा एक घंटा जो है वो अपने हारमोनियम को रियाजत को ज़रूर देना है,
मेरे उस्ताद में उस्ताद मोहतरम शंकर प्रेमी वो ये कहते हैं कि अगर तुम रियाजत से एक दिन पीछे गए तो 100 दिन पीछे हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो मैं 100 दिन पीछे नहीं जाना चाहता, भले मैं 1 घंटे की जगह आधा घंटा अपने रियाज करूँ तो आधे घंटा ज़रूर देता हूँ कि मैं 100 दिन पीछे ना चला जाऊँ। अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब बड़ा मुझे कोशिश करवाते हैं कि सीख जाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा सा यूँ हूँ कि आगे पीछे हो जाता हूँ। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं 15 साल हो गया मैं सीखने की अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक कुछ सीखा वीखा नहीं है मैंने। अच्छा, यही बात है ना कि इंसान ज़िंदगी भर, और म्यूज़िक एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, डेली आप कोई नया तजुर्बा करते हैं। जैसे डिज़ाइनिंग में है कि हफ्ते के अंदर ट्रेंड यूँ गायब हो जाता है, यूँ नया आ जाता है, तो आपकी वो जो पुरानी कलेक्शन है वो कहीं जो ना वो क्या कहते हैं सेल में चली जाती है, क्योंकि अब तो खैर कोविड की वजह से चीज़ें कहीं ठहर गई हैं, वरना अक्सर मैं देखती हूँ जन्नत के एक हफ्ते में मतलब चीज़ गायब, उसकी जगह नहीं आ जाती है। ये पेप्लम का मेरे ख्याल से कि कुछ साल भर चला है, ये वाहिद चीज़ है, बिल्कुल है ना। और सिगरेट पेंट्स चली हैं बहुत चली, वरना तो हर 8 दिन हर 2 महीने में ट्रेंड का कुछ पता ही नहीं होता कौन सा आउट हुआ कौन सा है, जो पहन लिया वो ट्रेंड हो गया। मतलब आजकल सब मिक्स चल रहा है, मिक्स चल रहा है सब मिक्स। कोई पटियाला शलवार चल रही है, कहीं घेर वाली शलवार चल रही है, कहीं छोटी शर्ट, कहीं लॉन्ग शर्ट, कहीं बैक टेल, कहीं जो है प्लाजो, तो आजकल सब मिक्स चल रहा है, कोई फैशन नहीं है। लॉन्ग शर्ट भी चल रही है, शॉर्ट शर्ट भी चल रही है। वैसे फ़ायदा ये है कि मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वो पुराने दौर में हम जो वो 500 वाली एक बेल्ट वाली शलवार बनाते थे वो भी ट्रेंड का हिस्सा बन गई है। पटियाला शलवार, पटियाला वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और पंजाबी वो थोड़ी डिफरेंट होती है, धोती थोड़ी डिफरेंट होती है, धोती क्योंकि डिफरेंट उसके टाइप्स हैं। तो वो जो हमारी टिपिकल ट्रेडिशनल जो हम लोग एक ज़माने में वेयर करते थे, तो वो चीज़ें, वो जो हमारा पुराना कल्चर वापस आ रहा है ना, वो मुझे बड़ा, और मुझे सबसे अच्छी अच्छी बात जो ये लगी है वो मतलब हमारे लिए भी इसके अंदर फ़ायदा है कि अब वो चीज़ नहीं है कि यार अभी तकरीबन 6 महीने या 3 महीने एक चीज़ चल रही है तो बस एक ही चीज़ चल रही है। मतलब ऊँचे पजामे और शॉर्ट शर्ट चल रही हैं, लॉन्ग शर्ट तो वही चल रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ चल रहा है, कोई कोई फैशन कर रहा है, कोई कोई फैशन कर रहा है, फैशन मिक्स चल रहा है। बिल्कुल सही। और ये फ़ायदा भी है कि आपको ज़्यादा जो ना वो मेहनत करने की जरूरत नहीं। बहुत फायदा बिल्कुल। सो बहरहाल जन्नत, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, बहुत अच्छा लगा। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, इसी तरह अपनी बेगम को सपोर्ट करते रहें, कोई गम नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच। और अर्जुन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। हाशिम भाई थैंक यू सो मच। ऐं व्यूवर्स, इजाज़त जो वक्त अची चुको आहे, सॼियूं तफ़सीलात हिन प्रोग्राम में अव्हांखे मिली वेंदियूं। सोशल मीडिया ते आवाज़ जे नाले सां पेज आहे, उते अव्हां हीउ प्रोग्राम ॿीहर ॾिसी सघो था, ऐं यूट्यूब ते थोरी देरि खां पोइ अपलोड थी वेंदो, उते बि अव्हां ॾिसी सघो था। जेकॾहिं अव्हां कुझु ख़रीद करणु चाहियो या पेज वग़ैरह विज़िट करणु चाहियो त उन जा लिंक्स बि सॼो कुझु अव्हांखे उते मिली वेंदो। फ़िलहालु इजाज़त जो वक़्तु आहे, हयाती बख़ैर, सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अलाफ़िज़। ऐं आख़िर में असां गीत ॿुधंदासीं अर्जुन खां, ठीकु आहे? पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अलाफ़िज़। जी तो अब आख़िर में क्या सुना रहे हैं आप? हलो, नदीम अब्बास जी का है। नदीम अब्बास रूफ़ी मीन नदीम अब्बास, जिन्होंने माड़ा है तो माड़ा बिस्मिल्लाह करा मुझे। हाँ हाँ, वो नदीम अब्बास भाई। ठीक।
नजर जी गाल जुबान सा कजे तकिया कजे इहाई गाल जहान सा कजे तकिया कजे ही जुल्म आहे ही जुल्म आहे असा सा अवां जे महफिल में अवां जी गाल अवां सा कजे तकिया कजे अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद मां या शाजी